आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज 24। तो चलिए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मऊरानीपुर में आयोजित किया गया किन्नर सम्मेलन, ये आज कहानी उन लोगों की है जो हमेशा हमारी खुशियों में बुलाए या फिर बिना बुलाए शामिल हो जाते हैं और जो हमेशा हमारे लिए दुआएं मांगते हैं, हमारी झोली भरी रहे लेकिन जिनकी खुद की झोली खाली रह जाती है। जी हाँ, सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किन्नरों की। ये लोग समाज से दूर रहकर भी हमारे समाज का एक अंग है। लोगों की खुशियों में शरीक होना और उन्हें दुआएं देना, इनाम लेना उनके जीवन का हिस्सा है। अगर खुद इनकी बात की जाए तो इन्हें तो ना स्त्रियां और ना ही पुरुषों की श्रेणी का हक हासिल है। वर्तमान में किन्नरों को आर्थिक रूप से मजबूत देखा जा रहा है, फिर भी सभी समाज में इन्हें अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। अधिकांश किन्नरों के समुदाय को दिनहीन जीवन जीने को मजबूर है। अपने बुनियादी हक पाने के लिए आज भी अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। किन्नर कोई अजूबे नहीं होते। मान्यता है कि स्त्री और पुरुष पूर्व जन्म में किए गुनाहों की सजा होती है। गुरु शिष्य की परंपरा का निर्वाह बड़ी कढ़ाई से किया जाता है। कई साथी किन्नरों की मौत के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए, निजी झगड़ों को निपटाने के लिए सम्मेलन का नाम दिया जाता है। इन्हीं दो बातों को ध्यान में रखकर किन्नर सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। किन्नरों से कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। इनके मुंह से दुआएं और कड़वी बात भी सही हो जाती है। इनकी दुआओं में ईश्वर की रजामंदी होती है, ऐसा सभी धार्मिक ग्रंथ कहते हैं। इन्हें सरकार ने शिक्षा, नौकरी, मतदान करने का हक भी दे रखा है। दूसरा पक्ष ये भी है कि वर्तमान में इनके कमाने का तरीका बदल गया है। ट्रेनों, पार्कों, बस अड्डों पर जबरदस्ती भीख के नाम पर गुंडे करते देखे जाते हैं। ऐसे किन्नरों की दुआएं और बददुआएं का कोई अर्थ मायने नहीं रखता। इन्हें बाकी किन्नर कहा जा सकता है, जबकि वास्तविक किन्नरों की दुनिया बड़ी रहस्यमयी होती है। रिपोर्टर नीलेंद्र प्रताप सिंह, हिंदुस्तान न्यूज 24। आपका किस उद्देश्य? ये कार्यक्रम जतारा के समस्त क्षेत्रवासी जितने भी जतारा में, मऊरानीपुर में, ऑल इंडिया में जितने भी लोग हैं, जो जिनके लिए हम दुआएं करते हैं, कामनाएं करते हैं, आज चद्दर भी चढ़ाई गई और 9 तारीख को मऊरानीपुर में माता के मंदिर में भी जाया जाएगा, घंटा भी चढ़ाया जाएगा, आज भी चढ़ाया है घंटा। तो ये हम समस्त देशवासियों के लिए और जनहित के लिए हम ये चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं मीडिया के द्वारा जनहित में कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम हैं सब भाई भाई, कोई किसी में भेदभाव ना समझे। हमारे लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक बराबर हैं और सबसे हम यही कामना करते हैं कि भारतवर्ष में, समस्त भारतवर्ष में एकता बनाए रखें, शांति बनाए रखें और हमारी यही कामना है आप लोगों से। हाथ जोड़ के हम किन्नर समाज, अखिल भारतीय किन्नर समाज आपसे यही अनुरोध चाहेगा, यही आपसे एक निवेदन चाहेगा कि जितने भी भारत के अंदर लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो जातिवाद का भेदभाव चल रहा है उसे ख़त्म करें, अहिंसा ख़त्म करें, शांति वातावरण बनाए रखें और जितने भी जतारा के जितने भी लोग हैं उनके बच्चों के लिए, उनकी पीढ़ियों के लिए हम दुआएं करते हैं, क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसका हक का हम खाते हैं, ना माँ खाता है ना बाप खाता है, सबसे पहला हक का हम खाते हैं। वो हमारे पेट की रोजी रोटी लेके आता है। किसी की घर में बहू आती है तो वो बहू बाद में बनती है, पहले हमारे लिए घर में दाना पानी लेके आती है। तो हम यही चाहेंगे समस्त मीडिया से, जनता से एक ही अनुरोध हमारा रहेगा कि समस्त भारत में एकता बनाए रखें और शांतिपूर्वक बनाए रखें।